प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी के चरण कमलों में अपना सिर रख करके प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे माँ राधा रानी जी, सभी भक्तों के हृदय में भक्ति भाव को जागृत करके उनके कल्याणकारी जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। प्यारे भाई बहनों, यह सत्य घटना लगभग सन 2007 या 8 ईस्वी की है, जब श्री तोमर जी की पुत्र वधु का चयन माध्यमिक विद्यालय हेतु आयोग से हो गया और अलीगढ़ जिला दिया गया। आयोग में यह नियम है कि यदि किसी अन्य जिले में स्थानांतरण करवाना हो तो उस विद्यालय में एक प्रस्ताव पास कराकर जिला विद्यालय निरीक्षक अर्थात DIOS के माध्यम से आयोग सचिव को भेज दिया जाता है। पुत्रवधु का विषय गणित और साइंस था। अब प्रधानाचार्य जी ने उनसे साइंस गणित के लिए शिक्षक देने को कहा था। उन्हें उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी जगह खाली है। उन्होंने प्रस्ताव बनवाकर प्रबंध समिति से पास कराकर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भिजवा दिया। वहां पर ऑफिस वालों ने बताया कि वह पद आरक्षित है अर्थात रिजर्व है, उस पर नियुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने एक विद्यालय का नाम बतलाया जहां पद रिक्त है और आरक्षित नहीं है। वहां से प्रस्ताव पास कराकर आयोग को भेज दिया गया। उस बीच आयोग के चयन पर प्रतिबंध था। कुछ माह बाद प्रतिबंध समाप्त हुआ और आयोग ने उसे उस विद्यालय में नियुक्ति हेतु भेज दिया। उस बीच उस विद्यालय की प्रबंध समिति बदल चुकी थी और प्रबंधक उन्हें लेने के लिए इनकार कर रही थी। इस पर उसके पतिदेव और श्री तोमर जी बहुत अधिक परेशान थी। एक दिन उनके पुत्र को ज्ञात हुआ कि प्रबंध समिति की बैठक शीघ्र ही होने वाली है। यद्यपि उस प्रबंधक समिति से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई परिचय नहीं था, फिर भी ईश्वर की प्रेरणा से वह वहां गए और बरामदे में टहलने लगे। बैठक में एक महिला सदस्य भी थी। उन्होंने देखा कि कोई लड़का वहां टहल रहा है। उन्होंने उसे गौर से देखा और अंदर बुलाया तथा पूछा कि तुमने कभी किसी को ब्लड डोनेट किया है अर्थात रक्तदान किया है क्या? उसने कहा नहीं। वह फिर बोली, आज से 8-9 वर्ष पूर्व जरा याद करो। उसे याद आया और कहा, हाँ मेरे एक मित्र ने कहा था तो दे दिया था। महिला ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? उसने संक्षेप में कार्ड बतलाया। महिला ने कागज पर अपना पता और एड्रेस जो भी था वो लिख दिया, कहा आप शाम को घर आना मिलने के लिए। शाम को लड़का घर पहुंचा, तब महिला ने बतलाया कि तुमने जिसको खून दिया था वे मेरे पति हैं, विद्यालय के मैनेजर उनके जेठ थे। महिला ने प्रबंधक को फोन किया और कहा, भाई साहब, आयोग से जिस महिला का चयन होकर आया है उसके पति ने ही आपके भाई की जान 8-10 वर्ष पूर्व बचाई थी, उसने ही खून दिया था, अतः कृपया उसका कार्य कर दें तथा उसकी पत्नी को ज्वाइन करवा लें। वह तो भूल गया था, मुझे ही उसका चेहरा याद आया। मैंने साहब ने दूसरे ही दिन उसकी पत्नी को ज्वाइन करवा दिया। यह घटना निष्काम कर्मयोग का फल बतलाती है। उस निष्काम कर्मयोग का फल पता नहीं क्या और कब मिले, पर मिलेगा जरूर। प्रभु श्री कृष्ण ने जैसा कि गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है निष्काम कर्मयोग का, बिना किसी फल की इच्छा के अपना वह कर्म, व्यवहारिक कर्म, कर्तव्य करते रहिए जो हमें, हमारे लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे योग क्षेम के लिए आवश्यक है, प्रभु द्वारा दर्शित है, हमारी अंतरात्मा द्वारा हमें दर्शित है, जो किसी भी तरह से गलत नहीं है।
जिसमें हमारा भी भला है और दूसरों का भी भला है। यदि हम वह काम बिना किसी इच्छा शक्ति के करते हैं, इच्छा शक्ति से तात्पर्य बिना किसी कर्म फल की इच्छा के करते हैं, तो उसका कर्म तो अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल तो अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, जैसा भी हो, कर्म फल अवश्य मिलेगा। परंतु जब वह हमारे हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में व्यथित होना, उसके बारे में चिंतित होने से क्या फायदा। प्रभु श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। तो निष्काम कर्मयोग का फल बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा मिलता है, यदि हमारे अंदर उसे लेकर के कोई भी भावना न रही हो। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, हर समय उनका स्मरण कीजिए। स्मरण करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, एक प्रार्थना मैं आपसे फिर करता हूँ। हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, जीवन कल्याण के लिए यदि कोई दो शब्द बोल रहा हो, भले ही आप मुझे कुछ भी कहना, परंतु एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करते, भगवान को सिर्फ मानते हैं, उनका नाम ही लेते हैं, वही काफी है। कलयुग में राम नाम की महिमा ही बहुत बताई गई है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भी है, सरल भी है। सत्ययुग में लोगों को तपस्याएं करनी पड़ती थी, परंतु कलयुग में केवल नाम ही आधार रह गया है। हम तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि तपस्या कर सके। लेकिन प्रभु ने एक वरदान स्वरूप दिया हुआ है कि कलयुग में जो सिर्फ उनके नाम को स्मरण करेगा, वह इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते रहिए, नारायण नाम लेते रहिए, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। प्यारे दोस्तों, विनती यही थी कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तो गीता की एक पुस्तक खरीद करके उसके एक श्लोक को अगर नहीं पढ़ सकते, तो एक लाइन तो पढ़ सकते हैं, आधी लाइन तो पढ़ सकते हैं। तो मेरी विनती यही है कि आप बस उतना ही कीजिए और अपने जीवन में आए बदलाव को देखिए और फिर मुझे कमेंट करिए। एक बार करके देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपके जीवन का अवश्य ही प्रभु के द्वारा कल्याण होगा। जय राधे कृष्ण, जय श्री राम। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।